जय हिंद दोस्तों, आप जुड़े हैं वर्ल्ड अफेयर्स में। मैं आशीष साहू, और आप सभी को इस बात की जानकारी तो है ही कि काबुल में अभी 3-4 दिन पहले कुछ ब्लास्ट हुआ है, जिसमें करीब 13 अमेरिकन और 170 के करीब लगभग अफगानिस्तान के लोग मारे गए हैं। ये एक सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट था, और जहाँ तक इसके बाद US ने चेतावनी दी कि हम आपको ना माफ़ करेंगे ना आप ये भूलेंगे हम। फिर उसके बाद US ने क्या किया, US ने एक ड्रोन स्ट्राइक करी, जिसमें ये कहते हैं कि जो सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था वो मारा गया। पर उसके बाद अभी इन्होंने कहा कि अब हम बाकी सभी आतंकवादियों को मारेंगे। परंतु अभी अभी खबर आई है कि ये देखिए, ये है CNN का आर्टिकल, इसमें दिखाया गया कि US ने क्या किया, मतलब एक कंपाउंड में जलालाबाद में स्ट्राइक किया जिसमें वो मारा गया है। अब इसके बाद आता है अफगानिस्तान से, भैया अभी अभी एकदम खबर आई है कि कुछ समय पहले ही अफगानिस्तान में एक और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, ये रॉकेट से किया गया है। इसका टारगेट, जहाँ तक न्यूज़ में यही आ रहा है कि अभी तक टारगेट तो अमेरिका के प्लेन थे, पर अभी जहाँ तक समझ में आया कि एक और अभी इसमें कोई, मतलब अभी एक और हमला हुआ है, पर इसमें अभी तक कोई जान माल की हानि का कुछ अभी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जैसे भी खबर आती है तो मैं दूसरी वीडियो में उसे ज़रूर डालूंगा, आप देखिएगा। जो बाइडन ने मतलब कहा था कि इनमें पहले भी चेतावनी दी थी, जो बाइडन ने पहले भी चेतावनी दे दी थी कि काबुल में अटैक हो सकते हैं अगले 24 से 36 घंटे में, और ऐसा कई देशों ने ऐसा अनुमान लगा रखा था, और ये बात सही हुई। जहाँ तक अटैक हुआ अभी अफगानिस्तान में कुछ ही देर पहले, और अभी इसका कुछ जानकारी अभी इसके बारे में है नहीं कि कितने लोग मारे गए हैं। कुछ समय बाद ये पता चलता है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डालूंगा। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।